नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। मामला त्रिवेदीगंज बाल विकास परियोजना कार्यालय का है, जहां पर दो दिन पूर्व रामपुर मजरे सराय पांडे की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अरुण कुमारी को बैठक में आपत्तिजनक शब्द बोले गए थे, जिसके विरोध करने पर महिला ने मारपीट करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने पर शिकायत की थी। फिलहाल अभी शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं त्रिवेदीगंज संघ ने आज बैठक कर अरुण कुमारी को न्याय दिलाए जाने के लिए सबकी सहमति ली गई, जिसमें संघ अध्यक्ष मंजुलता ने बताया, हम अभी तक चुप थे, हम अपनी बहनों पर अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेंगे। वहीं पूर्व अध्यक्ष श्यामा देवी ने बताया, जो अरुणा कुमारी के साथ सीडीपीओ कमलेश यादव ने जो किया वो बड़ा ही निंदनीय है, इसीलिए हम सभी बहनें इकट्ठा होकर मोर्चा खोलेंगे, इन पर मुकदमा दर्ज करवाकर हमारे ब्लॉक से हटाया जाए। यहां मांगों को लेकर हुई चर्चा, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरा मामला विकासखंड त्रिवेदीगंज क्षेत्र का है। आंगनबाड़ी हूँ और 11 तारीख को हमारे यहाँ मीटिंग रखा तस्वीर सर ने, उसमें हम लोग गए हुए थे। काफी आंगनबाड़ी वर्कर हमारी आई हुई थी और उसमें जो है हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है अरुणा कुमारी, उनके साथ में सीडीपीओ सर द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और उनको धक्का मुक्की दी गई, जिसके कारण वो बेहोश हो गई। उन्हें जिला अस्पताल यहाँ त्रिवेदीगंज लाया गया, जहाँ उन्हें रेफर किया गया जिला अस्पताल के लिए। हम लोगों की मांगे मेन यही है कि हमारी जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अरुण कुमारी है, उनको न्याय मिले और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ में अच्छा व्यवहार हो और उनको उनका सीडीपीओ सर का जो है तबादला हो। हमें जो है लेडी सुपर जो है अधिकारी चाहिए यहाँ पर। क्या इनके साथ आप काम करने में संतुष्ट नहीं है? सर, इनके साथ में काम करने में हम लोग संतुष्ट नहीं है। क्या चाह रहे हैं इनको? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ये सुपरवाइजर हटाए जाए, सीडीपीओ सर हटाए जाए और महिला कर्मचारी हमें दिए जाए। ओके, ठीक जी, आप सही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजनारायण जी। ये अरुण कुमारी के हस्बैंड है और ये सराय पांडे तृतीय आंगनबाड़ी में कार्य करत है। उस दिन बैठक में आपके साथ क्या हुआ था? जी, हम तो थे नहीं, मतलब वाइफ थी और जो लोग थे वो बता रहे थे, मतलब वो जो अभद्र व्यवहार सीडीपीओ द्वारा हुआ है, हम थे तो बाहर थे। क्या मारपीट भी हुई है? जी, मारपीट हुई, मतलब सीडीपीओ जो धक्का मुक्की किया है, गाली गलौज किया है और जान मार के मतलब मारने की धमकी भी दी है। आपने शिकायत की है? जी, शिकायत थाने में मतलब रिपोर्ट एप्लीकेशन दिया है, रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। रिपोर्ट अभी दर्ज नहीं हुई? जी, दर्ज नहीं हुई है। तो अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, 112 नंबर डाल किया और 1090 डाल किया, रिपोर्ट अगर नहीं दर्ज होगी तो आप क्या करेंगे? जी, आप रजिस्ट्रिंग पास मतलब जाएंगे, उनको एप्लीकेशन देंगे, पीसीओ को देंगे, मतलब जब आगे बढ़ना तो है, मतलब जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ये जो अभद्र व्यवहार हुआ है इसको उनका न्याय मिलना चाहिए। क्या न्याय, क्या चाह रहे हैं? न्याय मिलना चाहिए, जो गलत हुआ है इसका जो है सही तरीके से इसका जो है हम एफ आई आर दर्ज करावे और इसका न्याय दिए। एक मिनट रुकना भैया। जी, मेरा नाम सुनील जहाँ है, मैं बाबा आंगनबाड़ी हूँ और जो 13 तारीख को हमारे यहाँ मीटिंग रखा था सीडीपीओ सर ने, उसमें हम लोग गए हुए थे। काफ़ी आंगनबाड़ी वर्कर हमारी आई हुई थी और उसमें जो है हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है अरुणा कुमारी, उनके साथ में सीडीपीओ सर द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और उनको धक्का मुक्की की गई, जिसके कारण वो बेहोश हो गई। उन्हें जिला अस्पताल यहाँ त्रिवेदीगंज लाया गया, जहाँ उन्हें रेफर किया गया जिला अस्पताल के लिए। हम लोगों की मांगे मेन यही हैं कि हमारी जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अरुण कुमारी हैं, उनको न्याय मिले और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ में अच्छा व्यवहार हो और उनको उनका सीडीपीओ सर का जो है तबादला हो। हमें जो है लेडी सुपर जो है अधिकारी चाहिए यहाँ पर। क्या इनके साथ आप काम करने में संतुष्ट नहीं है? सर, इनके साथ में काम करने में हम लोग संतुष्ट नहीं है। क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ये सुपरवाइजर हटाए जाए, सीडीपीओ सर हटाए जाए और महिला कर्मचारी यहाँ नियुक्त किए जाए। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। नमस्कार।